हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आइए हम अपनी इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्योर रिसर्च या फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न में आए, अगर यह क्वेश्चन में आए कि प्योर रिसर्च किसे कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है या बेसिक रिसर्च किसे कहते हैं, बेसिक रिसर्च से आप क्या समझते हैं, तो ये सभी का जवाब हमारा एक ही होगा। ठीक है, तो दिस रिसर्च आल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च इज कंसर्न विथ विस्ट फॉर नॉलेज एंड नोविंग मोर अबाउट दी फिनोमेना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इसमें विदाउट कंसर्न प्रैक्टिकल यूज, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल, उस रिसर्च का प्रैक्टिकल यूज क्या होगा इसी पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज, यानी उस रिसर्च का कुछ प्रैक्टिकल यूज भी होगा इससे कोई मतलब नहीं है रिसर्चर को, बस वह रिसर्च करने जा रहा है, साफ साफ ऐसा हम कह सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि उस रिसर्च का कभी यूज नहीं होगा, होगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी कभी यूज होगा, पता नहीं कब यूज होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका यूज ना हो, प्रैक्टिकल यूज ना हो, लेकिन यहाँ पर रिसर्च बस किया जा रहा है किसका, एक फिनोमना, फिनोमना हमारी सोशल फिनोमना हो सकती है, कोई भी फिनोमना हो सकती है, फिनोमना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज एंड आल्सो विथ डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेटिस एंड थ्योरी। अगर हमें हाइपोथेटिस डेवलप करना हो या टेस्ट करना हो, हाइपोथेटिस टेस्ट करना हो या डेवलप करना है, या हमें थ्योरी, हमें कोई थ्योरी डेवलप करनी हो या कोई जनरलाइजेशन करनी हो, तो उसके लिए जो रिसर्च किया जाता है वो किया जाता है प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि थ्योरी डेवलप करने के लिए कौन सा रिसर्च यूज किया जाता है, किस रिसर्च का प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विदाउट, मतलब किसी रिसर्च का, किसी रिसर्च के आउटपुट का भविष्य में उसका प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं होगा, या उसका फिलहाल प्रैक्टिकल यूज कोई कुछ नहीं है, तो वो कौन सा रिसर्च है, तो कहा जाएगा वो फंडामेंटल रिसर्च है या बेसिक रिसर्च। क्योंकि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च जब कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें एक थ्योरी या जनरलाइजेशन या हाइपोथेटिस डेवलप किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, ठीक, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज उस समय कुछ नहीं होता है, उसका प्रैक्टिकल यूज उस समय कुछ नहीं होता है। इट इज सैड देयर इज नथिंग सो प्रैक्टिकल एज ए गुड थ्योरी। यहां बताया गया है जो थ्योरी डेवलप की गई है वो गुड थ्योरी भी हो सकती है या बैड थ्योरी भी हो सकती है। इसका मतलब कि नथिंग सो प्रैक्टिकल, माने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं उसमें होता है, प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, गुड थ्योरी या बैड थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। जब रिसर्च किया जा रहा है उस समय की हम बात कर रहे हैं, भविष्य में उसका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भविष्य में नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब हम रिसर्च कर रहे हैं उस समय उस रिसर्च का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, डेवलपिंग ए थ्योरी पर्टेनिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप माइंड, कोलेक्टिव बिहेवियरल या ग्रुप डायनामिक। अगर हम एक थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं, किस पर हम थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि जो एक ग्रुप माइंड, यानी जो एक समूह के व्यक्तियों का मत है, एक समूह के व्यक्तियों का विचार है, कोलेक्टिव बिहेवियर है या ग्रुप डायनामिक है, उसमें गतिशीलता है, उनके विचारों में गतिशीलता है, उनके फंक्शन के बारे में हम कोई थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं कि एक जो ग्रुप के माइंड के ग्रुप होते हैं, ग्रुप माइंड
जो ग्रुप के व्यक्तियों का जो माइंड होता है वह किस तरह से कार्य करता है, या कोलेक्टिव बिहेवियर जो है वह किस तरह से कार्य करता है, या एक जो ग्रुप डायनामिक होती है, ग्रुप डायनामिक्स वह किस तरह से वर्क करती है, इसके फंक्शनिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसे कहा जाएगा, फंक्शनिंग के बारे में हम कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्योर रिसर्च। यानी जब थ्योरी की बात आती है तो वहां पर प्योर रिसर्च ही किया जाता है, ओके। लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो हम थ्योरी या डेवलप कर रहे हैं इसका क्या प्रैक्टिकल में कुछ यूज होगा या नहीं होगा, ठीक। हो सकता है उसका प्रैक्टिकल में कोई यूज ना हो, या प्रैक्टिकल में उसका यूज कभी आगे चलकर पड़े। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट द एग्जिस्टिंग थ्योरी अबाउट दी सोशल फिनोमेना, या हमारे पास कोई पहले से ही थ्योरी, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है किसी सोशल फिनोमेना से रिलेटेड, और हम उसी से संबंधित एक और थ्योरी डेवलप कर रहे हैं जो ओल्ड थ्योरी क्या करी है, एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। उसी टॉपिक पर एक हम और थ्योरी डेवलप कर रहे हैं जो कि पुरानी वाली थ्योरी को क्या करिए, रिजेक्ट कर रही है। तो इसके लिए ये भी, ये जो इस नेचर का जो रिसर्च किया जाता है उसे भी हम प्योर रिसर्च के नाम से जानते हैं, या फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ जो मेन पर्पज जो होता है, द मेन बेसिक पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू एड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। यानी हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो मेन एम होता है, मेन पर्पज होता है बेसिक रिसर्च का, वो ये होता है कि वो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड करने वाले हैं। क्या करने के लिए? कुछ ऐड करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई ओल्ड थ्योरी है और इसमें हम अपडेट अपडेट करना चाहते हैं, कुछ इसमें ऐड और कुछ ऐड करना चाहते हैं, या इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक रिसर्च करते हैं, ओके। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च में हम जो रिसर्च करते हैं विदाउट, हम यह नहीं देखते हैं कि इस रिसर्च का जो आउटकम आएगा उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज होगा या नहीं होगा, हम इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। बस हम उस रिसर्च करते हैं और एक थ्योरी डेवलप करते हैं, या हाइपोथेटिस फॉर्मुलेट करते हैं, उस हाइपोथेटिस को चेक करते हैं, ठीक है। या हम यह कह देखें बेसिक रिसर्च किसके लिए किया जाता है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। हम अगर जब एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिक रिसर्च क्या होता है, ओके। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।